आइए दोस्तों, UPITI के फॉर्म यानी एडमिशन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं, तो देखते हैं इसकी जानकारी। तो ये 7 जुलाई से भरना प्रारंभ हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि है 31 जुलाई। और इसमें मिनिमम एज मांगी गई है 14 ईयर्स, और फीस है जनरल OBC 250 रुपये और SC ST के लिए 150 रुपये। देखते हैं आगे का प्रोसेस है। ये जैसे आप यहाँ पर आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर करेंगे क्लिक हेयर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसे डेस्कटॉप साइज कर लें, ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पॉपअप आएगा। भुगतान के लिए विकल्प, फीस भुगतान के लिए क्या क्या विकल्प होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करने हेतु निम्न दो पेमेंट गेटवे उपलब्ध हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, और दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग। ये आपके भुगतान करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। अब यहाँ पर करेंगे ओके, ये आ गया है आपका फॉर्म फिल करके। मैं आपको नॉर्मल फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ITI का पूरा फॉर्म भर के दिखाया जाएगा। धैर्य बनाए रखें, आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आपको समाधान भी मिल सकता है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ITI के लिए, UPITI के लिए है, लिखा है ऊपर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, ITI परिसर अलीगंज लखनऊ, यानी UPITI का फॉर्म है। हम पहले आवेदन करते हैं। यहाँ पर अप्लाई नेम इंग्लिश, तो ये कैपिटल रखेंगे, कोई भी नाम ले देता हूँ मैं, जैसे नाम लिख दिया अमन, हिंदी में भी नाम लिखेंगे। अमन कैसे भी करके आप हिंदी नाम आना चाहिए, जैसा दिया जा रहा है उस तरीके से। फादर नेम, कमल, ये मैं किसी का डाटा लेकर नहीं भर रहा हूँ, ये नॉर्मल फॉर्म भर रहा हूँ। देखते हैं अब इसमें कमल हिंदी में लिखना है हमें, कमल, माता का नाम इसी प्रकार भर देंगे, सीता लिख दे रहे हैं हम, सीता। इसका हम फीस पेमेंट तक दिखाएंगे, फीस नहीं काटेंगे, इसका पूरा फॉर्म का प्रोसेस दिखाएंगे पहले। ये सीता, अब हम यहाँ पर जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे, पहले डे या दिन, एक मंथ, जनवरी, ईयर, ईयर तो नहीं ले लेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भरेंगे। हम तो यहाँ पर केवल डाटा के लिए कर रहे हैं, 2 हज़ार सेलेक्ट कर लिया मैंने। वर्ग, आप कौन से वर्ग में हैं, इसी के हिसाब से आपकी फीस चलेगी। आप जनरल में हैं, SC में हैं, OBC में हैं, तो मैं यहाँ पे जनरल ले लेता हूँ, जनरल। अब यहाँ पर भरेंगे मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, मैं OTP के लिए नंबर ले लेता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर भर दिया है, अब OTP ले रहे हैं।
प्रोसेस चल रहा है अभी, OTP आ गया है 83 11 22, OTP भर देंगे। OTP भर दिया है, या आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आ गए हैं। सत्र 2022-23 में राजकीय अथवा निजी अथवा राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें तथा आगे की प्रक्रिया को पूरा भरें। भरे गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट निकालें। अब आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में लेंगे या राजकीय कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में, या आप इनमें से किसी दोनों में से लेना चाहते हैं, दोनों सब सेलेक्ट हो जाएंगे। हम केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देते हैं। सबमिट। ये यहाँ पर आ चुके हैं, देख लेते हैं डेस्कटॉप साइज चल रहा है या चल रहा है। डेस्कटॉप साइज अब यहाँ से खिल लेंगे, यहाँ से ये ले लिया मैंने राज्य की यानी गवर्नमेंट। सबमिट। जैसे सबमिट पर क्लिक करते ही ये स्टेप आ गए हैं, नाम लिख किया गया है। यदि किसी की शादी हो गई हो वो अपने पति का नाम दे सकती हैं, महिला। और यहाँ पर लिंक सेलेक्ट करेंगे, मेल हो या फीमेल, तो यहाँ पर मेल सर्च कर लेते हैं, पुरुष। अब यहाँ पर मांग रहा है EWS, अब जनरल हो रहा है EWS मांग रहा है, यदि है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देते हैं। ये सेलेक्ट फिजिकल यानी आप विकलांग हैं तो ही आप तीन ऑप्शन तक चयन करेंगे, 1 2 3, यानी कि 8 9 10। यदि आप नहीं हैं या अल्पसंख्यक हैं तो आप यहाँ पर रेडी सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये रहा, इनमें से कुछ हैं आप तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में इसे छोड़ देंगे। अगर हिंदू हैं छोड़ देंगे इसे। अब डालेंगे आधार कार्ड नंबर, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। 12 36 47 56 58 98। ईमेल आईडी भी ऐसे ही ले लेता हूँ, और हम ईमेल आईडी ले रहे हैं gy6956555@gmail.com। अपनी ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में भरनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो बड़ी सावधानी से भरें। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डोमेसिल नंबर 14 पर, यानी आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या अन्य प्रदेश से हैं। अब सिलेक्ट करेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से ले रहे हैं, तो मैं होम डिस्ट्रिक्ट में इटावा सिलेक्ट कर लेता हूँ। इटावा में जसवंत नगर विकासखंड भी जसवंत नगर कर ये देता हूँ, फिर मुझे डाटा फॉर्म भरना है। यहाँ पर भरेंगे एड्रेस, तो मैं केवल यहाँ पर जसवंत नगर इतना ही लिख देता हूँ बस, जो भी आपका एड्रेस हो पूरा लिखें। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश और सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट पुनः सेलेक्ट करेंगे, मैं ट्रावा भी लिखा था ट्रावा ही करेंगे। पिन कोड नंबर जो भी हो मैं भर देता हूँ पिन कोड नंबर, अब तुम्हारा कोई मोबाइल नंबर हो उसे सेलेक्ट करें। जो भी कुछ हो आपका मोबाइल नंबर ये मैंने भर दिया है। यहाँ पर सेम पे क्लिक कर देंगे, अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ तक हो गया है हमारा फॉर्म।
अब से करेंगे सेव एंड गो टू स्टेप नेक्स्ट। आप सहमत हैं या ओके कर दें? ये आ गया स्टेप अगला। और यहाँ पर हाई स्कूल, और आप आठवीं पास तो आठवीं पास सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई स्कूल नहीं है आपके पास तो। ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं हम। अब हम यहाँ पर भरेंगे हाई स्कूल की डिटेल्स, मैं ये फिल कर लेता हूँ। कॉलेज का नंबर नाम ऐसे लिख देता हूँ HSC इटावा, मैंने ऐसे लिख दिया है नंबर इटावा। इसी प्रकार रोल नंबर भर देता हूँ मैं 22 55 99 6। ये सेलेक्ट कर देता हूँ मैं 2022 ही, यही ये सेलेक्ट कर दिया मैंने। सब्जेक्ट साइंस ग्रुप से साइंस, आर्ट ग्रुप से आर्ट, साइंस ग्रुप ले लिया मैंने। पूर्ण अंक हाई स्कूल में 600 का होता है। आपके नंबर कितने हैं? मैं यहाँ पर पूरे 500 भर देता हूँ, पूरे 500 भर दिए हैं। क्या आपने पहले ITI फॉर्म अप्लाई किया है? तो यहाँ पर भर देंगे अन्यथा छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फ़ोटो और साइन। मैं फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, फोटो सिलेक्ट। आपके जहाँ भी फोटो बड़े हो कैमरा, फोटो में थोड़ा अभी कर रहा हूँ मैं कैमरा, यही फोटो लगा देता हूँ वैसे मेरे पास पड़े ही होंगे। और ये वीडियो आ रहा है, मुझे फोटो चाहिए। चलो मैं जहाँ बैठा हूँ वैसे ही फोटो खींच लेता हूँ, देखो क्या कह रहा है। खींच लिया फोटो मैंने, आता या नहीं आता अभी। अपलोडिंग हो रहा अभी, देखते हैं क्या कहता है फोटो। अभी लिखा था 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कैमरा, यहाँ से बना हुआ फोटो उठा लेता हूँ कोई। सर मेरे ज़्यादा MB में हैं,
10 से 50 के बीच में चाहिए, अभी देख रहे हैं। चलो मैं यही लगा देता हूँ। दस से 50 के बीच में यही लगा देता हूँ, आ जाएगा शायद। फोटो आ गया है, साइन भी देख लेता हूँ मैं अभी, वो भी आ जाएंगे। साइन में थोड़ी समस्या है, दूसरा साइन सेलेक्ट करता हूँ मैं अभी। चलो मैंने साइन लगा ली। ओके, यहाँ से करेंगे सेव एंड नेक्स्ट स्टेप। ओके, प्रोसेस चल रहा है अभी। पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे कैसे कैसे आपको स्टेप भरने हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। ITI करने के लिए NCVT TET देखें, जो भी आपकी टेट हो, जो आप टेट करना चाहें उसी टेट को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है, सर्वर थोड़ा बिजी है। हाँ जी, आ गया स्टेप। अब यहाँ पर ए ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, आप ए करें या बी करें। ए ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, आपको चाहिए गृह तहसील में, गृह तहसील या जनपद में चाहते हैं आप जनपद में जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी चाहते हैं ITI कॉलेज, जहाँ भी आपका अच्छा लगे उस हिसाब से सिलेक्ट करें। मैंने गृह तहसील ले लेता हूँ, मेरा भी आ रहा है। मैंने सुनने एड्रेस लिखा था तो मैंने गृह तहसील मेरी आ गई है। यहाँ से इस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, चुने पर क्लिक करें। और यहाँ से अपनी ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे हम, जो भी ट्रेड चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन, एयर कंडीशनर, अगर मैं फिटर चाहिए तो फिटर भी क्लिक कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। ओके, ये फॉर्म भर के तैयार हो गया है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ तक फॉर्म भरने के बाद में आप अपना नाम, नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ों को देख लें। हाई स्कूल का रोल नंबर, ईयर, पासिंग ईयर, यहाँ पर आ गया है। जैसे आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा 25 आ पर, और ये आपकी ट्रेड आ जाएंगी। अब यहाँ पर कर देंगे सहमत, यदि आप सहमत हैं तो फीस पेमेंट करें। ये आपका पूरा फॉर्म भर चुका है, ये एप्लीकेशन आईडी भी आ गई है। अब यहाँ पर आप प्रीवियस भी करके देख सकते हैं, नहीं करना है हमें। अगर कोई दिक्कत है, कहीं कुछ गलत है तो प्रीवियस करके वहाँ पर जा करके सुधार कर सकते हैं। तो हम पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। ओके कर दिया। अब यहाँ से आपका पेमेंट क्लियर आएगा। आप यूनियन बैंक को सिलेक्ट करें, प्रोसीड। ये आ रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड से फीस काटना है, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जिससे भी फीस काटना हो यहाँ से आप फीस काट सकते हैं। ये हुआ आपका प्रोसेस UPI ITI का। फुल फॉर्म कैसे भरा जाता है, पूरी प्रोसेस बताई गई है।